जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं आर्क फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के राइट इशू के बारे में। अक्टूबर मंथ में जो कंपनी के राइट इशू ओपन होने जा रहे हैं उसका डिटेल्स इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अभी कुछ समय पहले ही मैंने आर्क फाइनेंस के ऊपर एक और वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड किया था। यदि आप चाहें तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया था कि कंपनी क्या काम धाम करती है, कंपनी का फंडामेंटल कैसा है, और यदि कोई व्यक्ति इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहता है या पहले से किसी ने कर रखा है तो उसे क्या इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहिए कि नहीं बने रहना चाहिए। तो यदि आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी के जो राइट इशू अभी ओपन होने जा रहा है अक्टूबर मंथ में उसके डिटेल्स लेंगे। आपको बताऊंगा राइट इशू क्या होता है, आपको इसमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या क्या आपको नुकसान हो सकता है, और अप्लाई करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मार्केट में अलग से राइट इशू के शेयर्स मिलते हैं, अलग से राइट इशू के शेयर्स बाई कर लेते हैं, फिर बाद में फंस जाते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात कि आखिर अप्लाई करना कैसे है, इसके बारे में डिटेल्स में बात होगी इस वीडियो में। तो चलिए बिना वक्त गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आर्क फाइनेंस लिमिटेड कंपनी, मैं एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, NBFC कंपनी है। लोन्स वगैरह प्रोवाइड कराने का कंपनी काम करती है, लेकिन बड़े पैमाने पर यह कंपनी काम करती है और साथ में सिक्योरिटीज मार्केट में भी कंपनी पैसा लगा दी। काम नाम काफ़ी बढ़िया है, वैसे नॉर्मली भी इसका आप शेयर बाई करते हैं लॉन्ग टर्म में तो बढ़िया रहेगा। यहाँ पे देखिए, राइट इशू ओपन होने जा रहा है 21 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के बीच तक ये ओपन रहेगा, यानी कि टाइम पीरियड आपको ठीक ठाक मिल जाएगा इसमें अप्लाई करने के लिए। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर ये राइट इशू होता क्या है। देखिए, राइट्स इशू का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास पहले से कंपनी के शेयर्स हैं, उनका राइट्स है, उनके लिए इशू लाया गया है। राइट इशू कंपनियां तब लाती है जब कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी इस राइट इशू के जरिए तकरीबन 48 लाख रुपये मार्केट से उठाने जा रही है, और इसके लिए कंपनी अलग से 40 करोड़ के आसपास नए शेयर्स मार्केट में जारी करेगी। 40 करोड़ 39 लाख 60 हज़ार के आसपास इस शेयर्स की संख्या है, और उससे कंपनी 48 करोड़ 48 लाख रुपये उठाएगी। अब देखिए, ये इसमें जो नए ये शेयर्स कंपनी दे रही है ना, ये शेयर्स मार्केट भाव से कम प्राइस पे कंपनी अपने निवेशकों को देगी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि राइट इशू में सिर्फ वही व्यक्ति अप्लाई करते हैं जिसके पास पहले से शेयर्स हैं, इसलिए अपने चूंकि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास पहले से उस कंपनी के शेयर्स हैं, तो कंपनी थोड़ी दयालुता यहाँ पर दिखाते हुए मार्केट में इस कंपनी का जो भी प्राइस है, 1.80 रुपये 90 पैसा के आसपास शायद इसका प्राइस चल रहा है, उससे कम भाव पे इस कंपनी के शेयर प्राइस देखिए यहाँ पे 1.20 रुपये पे देने का निर्णय लिया है। यानी कि राइट इशू में आपको इस कंपनी के जो शेयर्स हैं कम भाव मार्केट प्राइस से कम भाव पे मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे फायदा हो गया क्योंकि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे आपको शेयर्स मिल जाएगा। और दूसरी चीज़, कम प्राइस पे आप बाई करेंगे तो आपका जो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस भी नीचे आ जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है राइट इशू में अप्लाई करने का। और दूसरी चीज़, यहाँ पे एक बात आपको समझना होगा, जितने भी इस कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं सभी इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सिर्फ वही व्यक्ति इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे जिन्होंने आर्क फाइनेंस कंपनी के शेयर्स को और रिकॉर्ड डेट से पहले बाय किया होगा। रिकॉर्ड डेट रखा गया है 10 अक्टूबर, यानी कि 10 अक्टूबर के पहले जिस व्यक्ति ने भी इस कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए होंगे उनके डीमैट अकाउंट में राइट इशू के शेयर्स, जिसको राइट एंटाइटलमेंट्स के शेयर्स बोलते हैं, आरई शेयर्स, वो दिखने शुरू हो जाएंगे। अब समझिए, यहाँ पे रेशियो के हिसाब से शेयर्स मिलेगा, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं एंटाइटलमेंट्स के लिए जो रेशियो रखा गया है 4:5 का, इसके हिसाब से शेयर्स मिलेगा। किसी व्यक्ति के पास यदि 5 शेयर्स हैं तो 4 एक्स्ट्रा शेयर्स उससे मिलेगा, ये रेशियो काफ़ी बढ़िया है। यदि आप ऐसे समझिए कि आपके पास यदि 100 शेयर्स हैं तो आपको 40 एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएंगे, और वो 40 एक्स्ट्रा शेयर्स जो आपको मिलेंगे वही आरी शेयर्स होंगे, और उसके लिए आपको 1.20 रुपये के हिसाब से अप्लाई करना होगा। तो ये बहुत कमाल का चीज़ है। अगर आप एलिजिबल हैं, मान लीजिए आपके पास 5 शेयर्स है और 4 शेयर्स इस कंपनी के आपको एक्स्ट्रा मिल गए, और यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 21 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर के बीच में अप्लाई कर दीजिएगा। नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये रिनन्सिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स का एक डेट होता है, अब यहाँ पे अपडेट नहीं है, नॉर्मली भी आप जैसे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाए, जो आरी शेयर्स एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलेंगे 4, तो उसको आप बेच दीजिएगा यदि आपको अप्लाई नहीं करना है तो। नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिलेगा कुछ दिनों के बाद आपके डीमैट अकाउंट से ये गायब हो जाएगा। तो क्या होगा कि यदि बेच देंगे तो 1.20 रुपये के हिसाब से आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा, नहीं बेचेंगे और अप्लाई भी नहीं करेंगे तो आपके डीमैट अकाउंट से ये शेयर गायब हो जाएगा, तो आपको कुछ बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए या तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा राइट इशू में, या नहीं अप्लाई करना है तो इसको सेल कर दीजिएगा जैसे आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, जब भी राइट इशू किसी कंपनी का ओपन होता है तो चूंकि वो एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि रिकॉर्ड डेट से पहले कंपनी के शेयर्स को बाई नहीं किए होते, तो मार्केट में अलग से आरी शेयर्स मिलता है उसको बाई कर लेते हैं। हालांकि मार्केट में जब अलग से आप आरी शेयर्स बाई करेंगे तो उसका प्राइस 1.20 रुपये से ज़्यादा होगा और तकरीबन ये जो करेंट प्राइस है आर्क फाइनेंस का उसके आसपास होगा, और फिर उसमें आप अप्लाई करेंगे तो फिर कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए अलग से आरी शेयर्स नहीं बाई करना है, जो मिला है सिर्फ उसी को अप्लाई करना है,
और अप्लाई करना कैसे है, सिंपल। अगर आप किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग यूज करते हैं, नेट बैंकिंग मतलब आप क्या समझते हैं, नेट बैंकिंग का सीधा सा मतलब होता है यदि UPI के अलावा उस बैंक का एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं, मान लीजिए HDFC बैंक यूज़ करते हैं तो HDFC का एप्लीकेशन आता है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति यदि SBI यूज़ करता है तो SBI बैंक का जो एप्लीकेशन आता है योनो एप्लीकेशन, आपने नाम सुना होगा। योनो में एक ऑप्शन आता है आसबा का, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, आपने नाम सुना होगा, काफ़ी फेमस ये है। इसके जरिए लोग मेनली IBO वगैरह में अप्लाई करते हैं, तो इसके जरिए आप राइट इशू में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ क्या है कि नेट बैंकिंग के थ्रू आप राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यानी कि बैंक का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आसबा का ऑप्शन आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप अपने बैंक के कस्टमर सपोर्ट से बात करके इसमें इस राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी राइट इशू और जितने भी IPO ओपन है सब वहाँ पे आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस आर्क फाइनेंस के राइट इशू संबंधित मन में कोई अन्य सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।